अभी गाड़ी का क्या करेंगे वो देखेंगे, क्योंकि 9 बजे तक का ही टाइम था। साइड मिरर, ORVM वो प्रॉपर नहीं है इसमें, उसके से देखो इतना ही जगह, इतना पतला ही जगह है बता है। अभी मेरे को थोड़ी दिक्कत होना है, लेकिन मेरी कमजोरी है कोई बात नहीं, यहाँ पे मस्त तकिया लगाएंगे और बेड पे सो जाएंगे भाई। फिलहाल तो यहाँ से गाड़ी घुमाना है, बस इतनी सी जगह है। अभी ये पीछे दो गाड़ी ऐसी लगा दिया है, निकालने में दिक्कत होगी। तो जी देखो मस्त नहा धो गए, रेडी हो गया हूँ। अभी वर्दी नहीं पहना, क्योंकि वर्दी पहनने की अभी ज़रूरत नहीं है, अभी फंक्शन है। और ये देखो ये रूम दिखाता हूँ, ये कुछ ऐसा सा है, यहाँ से ये बालकनी, और ये है कुछ भावनगर का आज का टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर तो क्या देखो 9 बजने वाला है, फिर भी धूप नहीं खिली है अभी। तो आज क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन है 10 बजे का है शायद, अभी 9 बजे रेडी तो हो गए अपन, अभी गाड़ी का क्या करेंगे वो देखेंगे, क्योंकि 9 बजे तक का ही टाइम था। देखते हैं क्या करेंगे, एक्स्ट्रा दे देंगे उसमें क्या, गाड़ी यहीं छोड़ देंगे क्योंकि हॉल नज़दीक में ही है, तो जाएंगे वहाँ पे। फंक्शन में तो मैं शूट नहीं करूँगा, किसी की प्राइवेसी क्यों डिस्टर्ब करना, तो बाद में यहीं से निकलेंगे। अभी यहाँ से क्या प्लान रहेगा वो वीडियो में आगे आपको बताऊँगा। यहाँ पे पहुँच गए, जैसा कि आपने देखा गाड़ी वहाँ से होटल से निकल के बहुत दूर नहीं था, नज़दीक ही था, हॉल पे आ गए। अभी उनका कोई फंक्शन है, वो फंक्शन ख़त्म होता है तब तक अपन यहाँ पे वेट करेंगे। यहाँ पे गाड़ी लगा दिया है, कोई इंटरनल रोड है तो कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ तो अभी ये गाड़ी के बारे में बताता हूँ आपको, मैंने शायद आपको गाड़ी के बारे में ज़्यादा बताया नहीं, वो अभी बात कर लेते हैं। चलो पहले गाड़ी का बाहर से दिखाता हूँ गाड़ी आपको। तो जी भाई ये है फोर्स ट्रैवलर, लेकिन ये आम ट्रैवलर नहीं है, ये देखो भाई एक फ्रेम के अंदर लेना मतलब एक मुश्किल ही है। देखो कितनी चौड़ाई है गाड़ी की, और साइड से देखो ये देखो भाई लंबाई भी बहुत ज़्यादा है। एक बार उस तरफ चल के दिखाता हूँ आपको। हाँ तो जी ये देखो गाड़ी, और इस गाड़ी में 6 चक्के हैं, यानी 6 व्हील है, 4 व्हीलर नहीं रही अभी ये, क्योंकि ये है ट्रैवलर 26। तो भाई लंबाई भी, लेंथ भी ज़्यादा है, चौड़ाई भी ज़्यादा है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो रहती है। अभी एक बार गाड़ी के अंदर दिखाता हूँ आपको, अंदर चलते हैं। यहाँ से गेट है, ये नॉर्मल अपनी ट्रैवलर के जैसे इंस्ट्रूमेंट, कस्टर स्टीयरिंग, ये सब नॉर्मल अपना ट्रैवलर में आता है वही है। देखो ये मिरर है, अभी ये देखो यहाँ से पता चले 0.5, हाँ 2x2 है ये, नॉर्मल अपनी आती है उसमें एक सीट इस रो की, ये वाली एक सीट कम आती है, वो वाली गिनो जो भी, तो 1, 2, 3 इतना ही आता है। और लंबाई में जो आखिरी वाली है वो चल गई। हाँ तो ये एक रो है, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी।
17 सीटर आती है वो यहाँ तक ही आती है, तो मतलब यहाँ से यहाँ ये जो एरिया है वो इसमें ज़्यादा है, मतलब वो अभी इसमें बेड बनाया है। बेसिकली यहाँ पे 5 सीट होती है, ये बेड अप हो जाता है तो ये सीट बन जाती है, तो लोग बैठ भी सकते हैं। बाकी ये देखो बहुत बड़ी गाड़ी है भाई, चलाने में एक्सपीरियंस कैसा है वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो मैं बता रहा था ये वाले ये जो मिरर है ना, इसके साइड मिरर ORVM वो प्रॉपर नहीं है, इसमें देखो ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है पीछे का भी, और 17 सीटर से लंबी है तो ऑब्वियसली देखना पड़ता है। ये वाला मिरर इस तरफ का थोड़ा सा अच्छा है, इसमें तो दिख जाता है, चलो ऐसे करके भी देख लेते हैं, पर वो वाले मिरर में देखना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुश्किल से देखो इतना ही जगह, इतना पतला ही जगह ही बचता है, अगर इतने रहो तो गाड़ी गाड़ी नहीं दिखाई देगी, अंदर अंदाजा ही नहीं आएगा, और ऐसे रहो तो गाड़ी पूरी दिखाई देगी लेकिन वो इतना ही साइड का दिखाई देगा, मतलब वाइड एंगल नहीं है, तो थोड़ा सा दिक्कत तो रहता है। बाकी इसमें ये प्रॉक्सी मिरर है तो उसमें भाई ये देख लो मैं दिख रहा हूँ ना, अभी वर्दी मतलब शर्ट तो यहाँ पे रखा है, पैंट मैंने डाला नहीं, जीन्स ही डाल ली है, और जीन्स टी शर्ट पहन के मस्त आराम से बैठे, क्योंकि गुजरात में ना उतना दिक्कत नहीं है, चल जाता है, जब भी ड्राइव करेंगे तो ये वाला शर्ट ऊपर डाल लेंगे और निकल पड़ेंगे यहाँ से। अभी यहाँ पे फिलहाल टाइम है, अब फंक्शन में उन्होंने बोला आके वहाँ पे बैठो, लेकिन वहाँ पे जाके क्या करेंगे यार, किसी के फंक्शन में जाके बोर ही हो जाऊँगा, इससे तो अच्छा यहाँ पे बैठो, वीडियो बनाओ आपके लिए, और फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर खाना खाने के लिए जाएंगे, उसके बाद अपन 3 बजे शायद यहाँ से निकलने वाले हैं। अभी तक का ये बुड़बुड़ होता है, अभी तक का ये प्लान है कि 3 बजे हम यहाँ से निकलेंगे नवसारी के लिए, तो आज जर्नी नाइट में भी होगी, और हाँ इसका लाइट का थ्रो उतना अच्छा नहीं है, वीडियो में आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन रियल लाइफ में जब चलाओगे गाड़ी तब मालूम पड़ता है कि बड़ी गाड़ी में लाइट भी थोड़ी अच्छी वाली चाहिए और ज़्यादा ही चाहिए। बाकी ये था अपना एक्सपीरियंस अभी तक का, बाकी आज जब यहाँ से रिटर्न जाएंगे तब दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं। तो जी भाई 2:30 बजने वाले हैं और आ गया हूँ मैं, खाना खा लिया, खाना क्या खा बकोस लिया पूरा। वैसे एक्चुअली ड्राइविंग करना हो ना तो मेरी आपसे सलाह हो कि अगर लंबे ट्रैवल करना हो तो आप थोड़ा कम खाया करो, ताकि आपको वो अलर्टनेस रहे गाड़ी चलाते समय। अभी मेरे को थोड़ी दिक्कत हो ना, लेकिन मेरी कमजोरी है खाना, क्या करूँ, खाना देख के कंट्रोल नहीं होता, तो इतना सारा खा लिया, बहुत सारा खाया, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया हूँ, मस्त आँख देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि भाई कितना हैवी लंच लेके आ रहा है बंदा। और वहाँ से देखो ये कुछ मिला, इसमें टॉफीज है, तो ये तो अपन नहीं खाएंगे, मेरे बेटे के लिए लेके जाऊंगा घर पे, वो खाएगा खुश हो जाएगा टॉफ़ी देख के। अभी कोई बात नहीं, यहाँ पे मस्त तकिया लगाएंगे और बेड पे सो जाएंगे भाई। तो जी भाई सोने की कोशिश कर रहे हैं, अभी थकान से लग रही है, और एकदम हैवी खाना खा लिया ना, नहीं खाना चाहिए था यार, गलती हो गया, कोई बात नहीं, लास्ट में आइसक्रीम बढ़िया था, अभी खाने का याद नहीं करने का, सोकर उठने के बाद मिलता हूँ। तो जी भाई 4 बजने वाले हैं और अभी कॉल आया है, तो वर्दी पहन लिया और अभी यहाँ से होटल पर जाना है, होटल पर जाके वहाँ से सामान लेना, तो सामान वामान दिक्कत है, अभी वहाँ पे क्या सीन रहेगा देखते हैं, अभी फ़िलहाल तो यहाँ से गाड़ी घुमाना है, बस इतनी सी जगह है, चलो देखते हैं कैसे घुमाते हैं। तो जी भाई होटल पर आ गए हैं, वो रहा होटल, ये देखो ये होटल रिलैक्स इन, वहाँ पे वो वाला अपना कमरा था और यहाँ पे रुके थे, अभी ये गाड़ी यहाँ पे लगाया है, अभी शायद वन वे तो नहीं है, आगे से सीधा निकल जाएंगे वहाँ पे, दिख रहा है, बस वहाँ से लेफ्ट लेके निकल जाएंगे, और देखते हैं अभी वो लोग सामान वामान लेने गए हैं
एक बार सामान लेके आते हैं, इसकी डिक्की में रखेंगे और फिर यहाँ से सीधा नवसारी। तो जी ये अपनी गाड़ी लगा दिया है यहाँ पे होटल सर्वोत्तम। वो वॉशरूम के लिए रुके थे थोड़े, और अभी गाड़ी का शीशा थोड़ा साफ करते हैं और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अभी नहीं खाना है, अभी थोड़े लेट होगा। अभी देखो टाइम कितना हुआ है, देखो 8 बजने वाले हैं, तो अभी थोड़ा टाइम में 1-2 घंटे और खींचूँगा, उसके बाद खाना बना खाएँगे। पहले तो इसका शीशा साफ करते हैं। तो जी ये वाले होटल पे रुके थे, खाना बना खाया, डिनर हो गया। अभी डिनर थोड़ा हैवी था, कम खाया, कोशिश किया कि कम खाऊं ताकि गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं हो। अभी यहाँ से भी घर का डिस्टेंस बाकी अभी 4 घंटे तो लगेंगे, और टाइम एक्चुअल में ये देखो टाइम भी 9 तो बज गए इधर ही, तो 1-2 बजेंगे। बाकी ये गाड़ी है अपना, शीशा वीशा साफ करेंगे। अभी ये पीछे 2 गाड़ी ऐसी लगा दिया है, निकालने में दिक्कत होगी। चलो कोई बात नहीं, अभी धर्मज पहुँचे है, धर्मज करके गांव है, उसके आसपास ही है कहीं पे। तो जी भाई पालेत पहुँचे है और ये डीजल फिल करा लेते हैं यहाँ पे, एकदम फुल कर दो भाई। अभी भी 100 किलोमीटर के ऊपर है, तो अपने को 2 घंटे और लगेंगे, देखते हैं। रात के 2:45 बजने वाले हैं और आ गए हैं, गाड़ी रख दिया है यहाँ पे, पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया है। अभी घर जाने का पापा लेने आने वाले हैं, क्योंकि गाड़ी अपन लाए नहीं थे, बाइक लाए नहीं थे, पापा छोड़ गए थे, तो बुलाया है, उनका वेट कर रहे। तो भाई ये थी अपनी जर्नी, फर्स्ट टाइम ट्रैवलर 26 सीटर ट्रैवलर को लेके, पहले कभी चलाया नहीं था, पहली बार लेके निकल गए। अभी किलोमीटर शायद 800 के अप्रोक्स हुआ है, वो अभी देख लेंगे जो भी है। मतलब यही था जो था अपना मिला जुला एक्सपीरियंस। बाकी गाड़ी के बारे में आपको जो भी गाड़ी थी अंदर बाहर वो तो आपने वीडियो में देख लिया है, तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में ये भी बता दीजिए आप क्या देखना चाहते हो, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, जो भी अच्छा बुरा लगे कमेंट कर दीजिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और ऐसी बहुत सारी नई नई वीडियो अपन के चैनल पे आती रहेगी। तो फिलहाल आपसे लेते हैं विदा और चलते हैं अभी घर, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन
बाय।